क्या मामला है? मेरा नाम विजय प्रकाश मौर्या, ग्राम बैरी परवा, पोस्ट नथईपुर, जिला संत रविदास नगर भदोही, थाना सूर्यावा, तहसील ज्ञानपुर है। मामला यही है सर कि जो है बगीचे की जमीन है, बगीचे की जमीन है, 20 साल से हमारे दादा बाबा जोत बो रहे थे और बंटवारा भी हो गया है, चार लोग हिस्सेदार हैं, सभी लोग अपना 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 हिस्सा जोत बो रहे थे, तो अपने हिस्से में हम जो है अपना घर बना रहे थे, 81 फीट सबको मिला है, अपने हिस्से में हम अपना घर बना रहे थे और विपक्षी पार्टी जो है आके हमको रोक रही है और वो बार बार 100 नंबर बुला रही है। हम लोग जो है चार लोग थे, चार लोग का बंटवारा हो गया, दो विपक्षी नहीं बोल रही, एक विपक्षी बोल रही है और वो जो है 112 नंबर बुला रही है, 112 नंबर आ रही है तो हम लोग को परेशान कर रही है और जो है वहाँ से फिर थाने से बुलाए, थाने से दिलसाद खान आए, हम लोग को मारे और पीटे और फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि अभी लाठीचार्ज होगा और फिर जूता चप्पल निकाल के मारने शुरू कर दिए और बैठा दिए और हम लोग यहीं पे मारे, यहीं पे मारे थे। गवाह हैं आपके पास? हाँ, हम ये है दीदी है और ये है। किसको मारे हैं? विजय को, इनको भी मारे, विजय और सत्यप्रकाश को मारे हैं। अच्छा, थाने भी ले गए मारे और यहाँ पे मारे बैठा लिए, फिर उसके बाद जो है वाले पक्ष को गाड़ी पे फोर व्हीलर नहीं बैठा रहे, हम बोले कि नहीं उनको भी बैठाइए, नहीं मैं अपने भाई को उतार लेंगे, तो बोल रहे हैं कि चलो भाई तुम भी बैठो, वो कह रहे नहीं, दूसरा पुलिस बोला कि नहीं बाइक से आएंगे, हम कहें भाई को उतार लेंगे अपने बाइक से बुलाओगे तो, कहें नहीं इसमें बैठो, तो कहे ठीक है चलो बैठो भाई तुम भी, मतलब उनको बाइक से बोले आने के लिए आप लोगों को गाड़ी में बैठा के ले और हम लोग बोलने के उठा करते सम्मति करते तब वो मारने लगता सदी साथ खान, तो वो मारे और फिर उसके बाद 100 नंबर भी बैठा लिया हम लोग को मार के, कहे बैठो कि 25,000 रुपए तो जो है कि तुम अपना बनाओ, कोई पैसे की मांग कौन कर रहा था? वही 112 नंबर पैसे की। हाँ, फिर जो साथ खाना है वो भी मांग कर रहा था। गाड़ी का नंबर पता है? गाड़ी का नंबर है 2290। हाँ, 2290 सर। टाइम है 11 से 12 के बीच में आई थी। और प्रदीप जो है कि वो भी बैठा लिया और हम लोग का मोबाइल ले लिया, स्विच ऑफ कर दिया, और दूसरा पार्टी का मोबाइल नहीं लिया, वो अपना बात कर रहा था, वो लेके अपना सब कुछ कर रहा। अच्छा, उच्च अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? हम यही लगाना चाहते हैं कि पहले तो सर ये दिलसाद खान हम यहाँ से बैठा के ले गया जबरदस्ती, हम लोग कोई गलती काम नहीं किए थे और यहाँ पे कोई नहीं था, हमारा रूम बन रहा था, हम यहीं बैठे थे, बुला के जबरी मारा पहले, वो क्यों मारा हम लोग? उच्च अधिकारियों से क्या गुहार लगाना चाहते हैं? यही लगा गुहार लगाएंगे कि हमारा न्याय हो जाए, अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम जो है कि गरीब परिवार कहाँ जाएंगे, हमारा एक लिंटर बन गया, दूसरा लिंटर भी बन गया है और विपक्षी पार्टी जो है स्टाम्प पेपर भी साइन भी की है सहमति के साथ जो है, हम लोग सब तो जा रहे हैं दिखा रहे हैं तो पुलिस नहीं मान रही है, लाल साहब और बद्री प्रसाद के एक परिवार की कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे और पुलिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। जो दिलसाद खान है वो हमको ले जाके थाने बहुत मारे हैं, विपक्षी के पास कोई स्टे ऑर्डर भी नहीं है, पुलिस तब भी आ रही है हम लोग को रोक रही है, हम लोग अपना कागज जो लिख के दे रहे हैं हम लोग दिखा रहे हैं तो चली जा रहे हैं, फिर आगे रोक रही है हम लोग को। लाल साहब, आशीष और बद्री, वो सब कार्रवाई नहीं होगी और जो दिलसाद खान वो मारे थे जो है कि हम लोग को बोल रहे थे दिलसाद खान की 50,000 रुपए दो तुम अपना बनाओ, नहीं तो हम तुमको दारू गाजे में बंद करके भेज देंगे थाने में, वही सड़ जाओगे जो है। गए थे वहाँ बैठा रहे मंदिर पर नेपाल साहब, वहाँ और लोग बैठे थे तो हम गए वहाँ, कहा हाथ जोड़ के उनसे, नेपाल साहब चार दिन मौका देते लिख दे लड़के हमारे बाबा थाने पर गए तो थाने पर वहाँ से मारे दिलसाद खान, वहाँ से मार के लिख पढ़ के दे दिए जाओ मेडिकल कराए, हम लोग को मालूम नहीं कहाँ भेज रहे हैं, कोई नहीं गया था मेडिकल कराने कोई नहीं गया तो अपने जबरदस्ती भेज दिए वहाँ, प्रदीप हम लोग को लेके गए मेडिकल कराए, हम लोग को मालूम नहीं था, वहाँ से भेज दिए फिर ज्ञानपुर CGM कोर्ट, वहाँ से हम लोग अपने पापा और बड़े पापा को बुलाए तो हम जमानत करके यहाँ घर पे लाए। गुहार लगावत है साहब, तुम्हारे मारे का आदेश नहीं बा, आप हमारे लड़कन के मार के यहाँ से लई गए, गाली देते हैं, चाली चाली करके गाली देते हैं, घरों भागो घरों भागो, गाली देते हैं, माता को बहन को भी गाली दे रहे थे दिलसाद खान जो है, हम गोरु बानी बद्री प्रसाद और राम बली चंद बली और आशीष और महेश लाल साहेब, ये सब के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए साहब, बिना मतलब का, और दिल खान साहब के ऊपर, ये जो है हमारे ऊपर पत्थर ढेला चलाते थे, यहाँ आदमी काम कर रहे थे, घर के आदमी बैठे थे यहाँ और पत्थर ढेला चलाते थे, न्याय हमको मिलना चाहिए साहब।